नाबालिग हिंदू किशोरी को भगा ले गया वर्ग विशेष का एक युवक, जिसे पुलिस ने सूचना पाने के बाद कर लिया बरामद, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया जमकर हंगामा। खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां कौशाम्बी में कोखराज थाना परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम वर्ग के एक युवक के द्वारा नाबालिग हिंदू को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने और थाना में युवक और किशोरी को एक साथ रात में रखने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा है और थाने पर धरना दे दिया है। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने थाना के एक दीवान और एक दरोगा पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। हंगामे के बाद एसपी आए और एसपी से बातचीत और कार्रवाई के आश्वासन के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता माने और उन्होंने अपना हंगामा खत्म किया। कोकराज थाना क्षेत्र की एक गांव की नाबालिग किशोरी को वर्ग विशेष का एक युवक भाला फुसला कर भगा ले गया था, जिस पर परिजनों ने कोकराज थाने में मुकदमा लिखवाया था। कोकराज थाना के एसआई परमेश यादव किशोरी और युवक को राजस्थान के जयपुर से बरामद कर थाना लाए और युवक को हवालात में बंद कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं थाना पर मुस्लिम युवक और हिंदू नाबालिग किशोरी को एक साथ रखने पर बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने कोकराज थाने पर हंगामा काटा। पुलिस अधिकारियों के कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन और हंगामा समाप्त किया गया। इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजन काशी प्रांत विवेक जासवाल से तमाम कार्यकर्ता वहां थाने पर मौजूद थे। ना प्रोटेक्शन बजरंग दल इसलिए कर रहा है, ये हसनपुर टेढ़ी मोड़ चौकी का मामला है। प्रियंका नाम की हिंदू व्यक्ति जो कभी नाबालिग है, उसको एक मुस्लिम युवक द्वारा बहला फुसला कर उसे यहाँ से भगा ले गया। उसके बाद वह मुस्लिम युवक 300 का मुस्लिम भी है और 33 साल उसकी उम्र है, और इसके बावजूद यहाँ की पुलिस की रवैया कुछ ठीक होने के ना कारण, जो कि रात भर लड़की और लड़के को एक कमरे में यहाँ कार्यालय में बैठा रखा गया, लड़की और लड़का आपस में बात करते रहे, और उस लड़की के पक्ष में यहाँ का दीवान, क्या नाम है दीवान का, शाह आलम खान और लाल साहब यादव, कुछ रवैया ठीक नहीं, इसी कारण हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन बैठे हैं, और जब तक इन लोग को यहाँ सस्पेंड नहीं किया जाता, हम लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रहे। यूपी न्यूज 9 के लिए कौशाम्बी से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।